श्री जीवन कृष्ण गर्ग है। यहाँ पर बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर पीठाधीश्वर के पद पर श्री हनुमान जी महाराज की लीला से विद्यमान है, उनकी सेवा में विद्यमान। महाराज जी, मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा है कि आपके द्वारा एक अनोखा संकल्प लिया गया है गरीब कन्याओं के विवाह के लिए। जी, क्योंकि बागेश्वर धाम पर सिद्धपीठ आश्रम पर जो दरबार शनिवार एवं मंगलवार को हजारों भक्तों के आवागमन, जो हनुमान जी लीला करते हैं जिन पर, उन भक्तों के लिए यहाँ निःशुल्क दरबार चलता ही है। किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस अथवा दक्षिणा नहीं ली जाती। हजारों भक्तों जो भक्त जो आते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो चढ़ोतरी दी जाती है, तो हमारे मन में एक भाव आया कि क्यों ना इस चढ़ोतरी के द्वारा समाज सेवा का कार्य किया जाए। इसलिए हमने मन में विचार किया कि जो भी चढ़ोतरी बागेश्वर धाम पर आएगी, मंदिर पर आएगी, उस चढ़ोतरी से गरीब कन्याओं का विवाह करवाएंगे एवं निर्धन बेसहारा लोगों का सहयोग करेंगे, ताकि समाज हमारा सुदृढ़ बने और भारत देश हमारा व्यवस्थित होकर के आगे बढ़े। और भी आपकी कुछ योजनाएं हैं जो आप यहाँ पर शुरू करना चाह रहे हैं? जी, हमारे हनुमान जी की लीला से बागेश्वर धाम पर और भी अन्य ऐसे प्रकल्प हैं जो गरीब बेसहारा लोगों के लिए हैं और आने वाले भक्तों के सभी के लिए। जैसे आने वाले समय में निशुल्क भंडारा प्रसाद भी वितरण होगा, जो सभी भक्तों के लिए निशुल्क होगा। दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक, फरवरी माह से यह निःशुल्क भंडारा लंगर प्रसाद बागेश्वर धाम सिद्धपीठ पर प्रारंभ होगा। जानना चाहेंगे बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर जो दिव्य दरबार लगता है, उसमें हजारों भक्तों शनिवार एवं मंगलवार को जो पधारते हैं, उनके द्वारा जो चढ़ोतरी दी जाती है, तो निःशुल्क दरबार का हमारा भाव है, समाज सेवा का हमारा भाव है। तो मन में हनुमान जी की प्रेरणा आई कि जो भी चढ़ोतरी आती है, उससे गरीब कन्याओं के विवाह को लगाया जाए, गरीब कन्याओं का विवाह करवाया जाए, निर्धन बेसहारा लोगों का सहयोग किया जाए, जिनके पास व्यवस्था नहीं है उस व्यवस्था में इस धनराशि को लगाया जाए। इसका आज हनुमान जी की प्रेरणा से हमने संकल्प लिया और जो भी जरूरतमंद है उनसे प्रार्थना है, बागेश्वर धाम पधारें, जो भी हमसे सहयोग बनेगा हम आपका सहयोग करेंगे। जय बागेश्वर।